बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के महल के बगीचे में एक कौवा अपनी बीवी के साथ रहता था। वह बगीचे के सबसे बड़े पेड़ पर रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक अजगर का बिल था। कौए को पता था कि अजगर वही रहता है, फिर भी वह उस पेड़ पर ही काफी समय से रहते थे। दोनों कौए सुबह के समय भोजन की तलाश में निकल जाते थे और शाम को खाना लेकर लौटते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मादा कौए ने दो अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन दोनों कौए अंडों को घोंसले में छोड़कर सुबह खाना ढूंढने चले गए। शाम को वह खाना लेकर लौटे, आकर उन्हें देखा कि अंडे वहां पर नहीं थे। इससे दोनों कौए बहुत दुखी हुए। इसके कुछ दिनों के बाद मादा कौए ने दोबारा अंडे दिए। अगले दिन वह रोज की तरह खाने की तलाश में चले गए। उनके जाने के बाद अजगर आया और पहले की तरह कौए के अंडे खा लिए। जब शाम को कौए खाना लेकर लौटे, पेड़ पर लौटने के बाद उन्हें देखा कि वहां से अंडे गायब थे। यह देखकर दोनों बहुत दुखी हुए और रोने लगे, लेकिन उनको अब समझ आ चुका था कि यह जरूर पेड़ के नीचे रहने वाले अजगर का काम है। कौवा बहुत होशियार था, उसने अजगर से छुटकारा पाने की सोची। उसने एक दिन जब रानी तालाब में नहा रही थी, तब रानी का एक हार चुरा लिया। सैनिकों ने यह सब देख लिया, वह कौए के पीछे लग गए। कौए ने वह हार ले जाकर अजगर के बिल में डाल दिया। जब सैनिक हार निकालने लगे तो उनको अजगर दिखाई दिया। सैनिकों ने अजगर को मार दिया और हार ले लिया। इस तरह कौए ने अजगर से छुटकारा पा लिया और दोनों खुशी से रहने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत से भी छुटकारा पा सकते हैं।